मैं देविंदर शरद, प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा। ये जो आज का कवि सम्मेलन है, ये समर्पित अपने शिक्षा जगत को है। इसमें हमारे पूरे फरीदाबाद, पलवल, होडल, हसनपुर, हतीन, ये पूरा क्षेत्र के जितने शिक्षण संस्थान हैं, सभी इसमें इनवाइट हैं। सभी लोग आए हैं। करीब करीब 250-300 स्कूल प्रबंधक, इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी, हमारी जो यूनिवर्सिटी है हमारे पास में, MVN यूनिवर्सिटी हुई आपकी, NGF कॉलेज हुआ, ये सब एडवांस कॉलेज हुआ, ये सब के सब कॉलेज जो हैं ये हमारे यहाँ इनवाइट हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य जो है, अपने शिक्षा जगत में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो थोड़ा सा कम करके एक मर्यादित और अनुशासित एक कवि सम्मेलन करने जा रहे हैं। एवं इसके अलावा एक सवाल और है जी, कि आपके शिक्षा जगत से जुड़े हुए प्राइवेट स्कूल अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए जी, कई संगठन है जी, स्कूल स्टूडेंट जी, क्या सभी स्कूल स्टूडेंट मौजूद रहेंगे यहाँ पर? देखो, वो संगठन है, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, वो सब अपने अपने केवल स्कूल हित में बटकर वो काम करते हैं। उन सबका उद्देश्य होता है कि हमारे स्कूलों में कोई प्रॉब्लम ना आए, हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएँ, अपने अध्यापकों को बेहतर सुविधा दे पाएँ, अपने समाज को बेहतर नागरिक दे पाएँ, उनका एक उद्देश्य होता है। इस कार्यक्रम में जितनी भी हमारी सामाजिक संस्थाएँ संस्थाएँ हैं, वो किसी भी यूनियन से संबंधित जो भी हमारे पदाधिकारी या हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, वो सब इसमें इन्वाइट हैं। ये संस्था जो सबके साथ लेके चलने वाली, कौन से जिले से लोग आएंगे इसमें? आपका फरीदाबाद है, आपका पलवल है, आपका नूह है और आसपास का क्षेत्र। कितने आएंगे लोग? लगभग 250-300 स्कूल प्रबंधक इसमें भाग लेने जा रहे हैं। देखिए, पिछले 2020 से ही कोविड का बहुत प्रकोप प्राइवेट स्कूलों ने झेला था और इस साल हम काफ़ी सामान्य स्थिति से शिक्षा जगत गुजरा है, तो बीते हुए साल का धन्यवाद और आगामी साल का स्वागत करने के लिए ये आयोजन किया गया है। अभी स्कूल साथियों को इसमें आमंत्रित किया गया है और इस उम्मीद के साथ उनको यहाँ पर बुलाया गया है कि सब उमंगों से, तरंगों से, नए विचारों से, नए जोश से, उत्साह से अपने भविष्य की तरफ और इस देश के भविष्य की तरफ और अपने अपने स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ अथक प्रयास करें, अच्छी मेहनत करें और अपने भविष्य को और देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। इसके अंदर हमारे सभी बदरपुर टू होडल, जो हमारा पहले जिला हेड ऑफिस था फरीदाबाद, 80 किलोमीटर के दायरे के सभी शिक्षण संस्थान, जिसमें यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, सभी लोग आए हुए हैं। और जो इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो अभी तक हम सभी लोग एक बहुत बड़ी, आज फिर दोबारा से कोविड की एक संज्ञान लेके आ रहा है और सभी लोग उससे ग्रस्त थे, और ताकि हम सब लोग एक खुशी नव वर्ष में प्रवेश करें। सर, लगभग कितने शिक्षाविद इसमें शामिल होंगे? 200-250 के करीब इसमें सभी शिक्षाविद होंगे। सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी लोकल, लेकर के आपका MVN यूनिवर्सिटी, NGF, संस्कृति यूनिवर्सिटी। मुख्य उद्देश्य क्या है आपका आयोजन? इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में एक जो कोविड के प्रति ज़्यादा डिप्रेशन सा आया हुआ था, उसको हमें इससे निकालना है, मानसिक संतुष्टि, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और एक हास्यप्रद वातावरण बने चारों तरफ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि नव वर्ष सबको शुभकामना हो, सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की, और सभी लोग बढ़ें, आगे बढ़ें और देश हमारा आगे की तरफ प्रोग्रेस करे। धन्यवाद। कवि साहिबा, कवयित्री साहिबा, अध्यक्ष जी और सभी स्कूलों से आए हुए हमारे शिक्षा व्यक्ति, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका स्वागत है। और एक बात मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूँ, कवियों से भी मेरा निवेदन है, जो इतिहास कभी आज के टाइम में भी एक हमारा व्यक्तिगत खेल होता है, एक खेल टीम के साथ, जहाँ कुर्बानियां किसी टीम ने भी एक साथ दी है, वहां उन सभी का वर्णन उस पंक्तियों द्वारा होना चाहिए। हम सम्मान करते हैं, लेकिन भावना में
कभी हमें अपने पढ़ाई की कुर्बानियों में भी फर्क नहीं मानना चाहिए। मेरा निवेदन है कि शहीद भगत सिंह जी के साथ साथ जिन लोगों ने कुर्बानियां दी और बलिदानियां दी, शहीद शहादत में भी शामिल रहे, हम उनको भी जोड़े तो शायद हमारी जैसे जो लोग हैं अनजान हैं, जो इतिहास को कम जानते हैं, उनको भी इस हिंदुस्तान के इतिहास को जानने का मौका मिलेगा और पता लगेगा जब हिंदुस्तान हर कोने से एक ही आवाज थी हिंदुस्तान की, वंदे मातरम की, तो हम दुनिया की उस महान शक्ति को भगा पाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर, कविता के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से जिन जिन लोगों ने शहादतें दी हैं उनका जिक्र जरूर होना चाहिए।